गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, पंखे, कूलर और एसी अपनी नींद से जाग उठे हैं और लोगों को गर्मी से निजात दिलाने के काम में जुट गए हैं। अब मौसम कैसा हो चुका है ये तो आप सभी को मालूम है, तो आज इस बदलते मौसम की सबसे बड़ी जरूरत पंखे के बारे में हम आपको बताएंगे। जब आप पंखे के नीचे बैठकर पसीना सुखाते हैं तो उसे देखकर क्या कभी आपके दिमाग में कोई सवाल आया है? मसलन घर की छत पर लटक रहे सीलिंग फैन में ज्यादातर तीन ही ब्लेड क्यों होते हैं? भारत में ज्यादातर तीन ब्लेड वाले सीलिंग फैन ही देखने को मिलते हैं, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में पांच ब्लेड वाले पंखे भी होते हैं। अब तीन ब्लेड वाले सीलिंग फैन के पीछे क्या वजह है इसे जरा आप समझिए। अब आप सोच रहे होंगे कि विदेश में अगर पांच ब्लेड वाले फैन होते हैं तो फिर आखिर भारत में तीन ब्लेड वाले फैन ही क्यों होते हैं? अब आप ये मत समझिएगा कि इसके डिजाइन में गड़बड़ी की गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल बात यह है कि एक बढ़िया सीलिंग फैन की क्या परिभाषा हो सकती है। अब यही ना कि वो शोर ना करे और हवा ज्यादा फेंके। सीलिंग फैन की ब्लेड जितने कम होंगी उसकी हवा फेंकने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ये हम नहीं कह रहे, ये एक रिसर्च बताती है। अच्छे से हवा फेंकने के लिए तीन ही ब्लेड को ठीक माना गया है। ज्यादा ब्लेड होने पर पंखे की मोटर पर दबाव पड़ता है और इसकी वजह से हवा फेंकने की उसकी क्षमता प्रभावित होती है। हालांकि कई जगहों पर इसका डिजाइन वातावरण पर भी निर्भर करता है। अमेरिका, कनाडा और बाकी के ठंडे मौसम वाले देशों में चार ब्लेड वाले पंखे होते हैं और इनका इस्तेमाल पूरे कमरे में हवा को फैलाने के लिए होता है, न कि गर्मियों में पसीने सुखाने के लिए। अब भारत चूंकि एक गर्म देश है और सीलिंग फैन यहाँ कमरे में ठंडक पहुंचाता है, इसलिए यहाँ तीन ब्लेड वाले पंखे का इस्तेमाल होता है। कम ब्लेड होने की वजह से ये तेजी से चलता है और आवाज भी नहीं करता। चार ब्लेड की तुलना में तीन ब्लेड वाले पंखे कम बिजली खींचते हैं, साथ ही आम लोगों के बजट में भी फिट बैठते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।